जिला स्तरीय मुख्यमंत्री कन्या विवाह निका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सोमवार को छिंदवाड़ा शहर में सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों एवं वर्गों के 1300 से अधिक जोड़े विवाह बंधन में बंधे। इस सामूहिक विवाह आयोजन में जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल विशेष रूप से उपस्थित रहे। साथ ही चूंकि यह कार्यक्रम नगर निगम, जिला पंचायत जैसी एजेंसियों के माध्यम से कराया जाता है, इसलिए जोड़ों को आशीर्वाद देने महापौर विक्रम आहाके और जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार भी मौजूद रहे। आयोजन के लिए 1365 जोड़ों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। सोमवार सुबह से ही हलचल शुरू हो गई थी। पटेल मंगल भवन में वर पक्ष के लोग उपस्थित थे, जबकि हिंदी प्रचारिणी समिति और टाउन हॉल में वधु पक्ष के लिए तैयार होने और रुकने का इंतजाम था। यहां उनके अल्पहार की भी व्यवस्था की गई थी। सुबह 10 बजे के बाद पोला ग्राउंड, दशहरा मैदान से विवाह स्थल इनर ग्राउंड के लिए विशाल बारात निकाली, जिसमें प्रदेश के कृषि विकास एवं विकास कल्याण मंत्री कमल पटेल चल रहे थे। उनके साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे एवं अन्य भाजपा नेता भी बारात में शामिल हुए। बारात में महापौर विक्रम आहाके और नगर निगम अध्यक्ष सोनू मांगो सहित पार्षद और चुने हुए जनप्रतिनिधि चल रहे थे। इधर ग्राउंड पहुंचने पर बारात का स्वागत किया गया। मंच पर प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने विवाह आयोजन की विविध शुरुआत की। इस अवसर पर कलेक्टर शीतला पटले सहित निगम कमिश्नर राहुल सिंह, जिला पंचायत के सीईओ एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान जोड़ों के विवाह और निकाह कराए गए। महापौर विक्रम आहाके की पहल पर इस बार आदिवासी समाज की मांग को देखते हुए आदिवासी रीति रिवाज से विवाह कराने की व्यवस्था की गई थी। इस आयोजन में 800 से अधिक आदिवासी जोड़ों के विवाह हुए। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार भी जोड़ों के आशीर्वाद देने पहुंचे थे, लेकिन कार्यक्रम में पूरी तरह से अनदेखी किए जाने से नाराज नजर आए। उनका कहना था कि भाजपा को इस आयोजन में राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। वहीं मंच पर मौजूद प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी भांजियों के मामा हैं, इसलिए मामा हर साल बहनों की विवाह की जिम्मेदारी उठाते हैं, जबकि वो बहनों के भाई भी है, इसलिए लाडली बहना योजना शुरू की है। सामूहिक विवाह समारोह को जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया। वहीं जब महापौर विक्रम आहाके के बोलने की बारी आई तो उन्होंने मंच से ही अधिकारियों की क्लास लगाई। उनका कहना था कि दबाव में आकर इस आयोजन में कांग्रेस के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की गई है, जो अच्छी बात नहीं है। अधिकारियों को प्रशासक के रूप में काम करना चाहिए, न कि किसी के दबाव में। शुभारंभ के बाद सैकड़ों जोड़ों का रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ। इनर ग्राउंड में बड़ी संख्या में जिले भर से इस कार्यक्रम में भाग लेने लोग पहुंचे थे। उसके बाद सामूहिक विवाह भोज का आयोजन किया गया। NBCN न्यूज़ के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।